Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तेज प्रताप यादव के ससुर और राजद के वरीय नेता चंद्रिका राय ने जनता दल यूनाइटेड में जाने का खुला ऐलान कर दिया है। चंद्रिका राय ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कुछ ही दिनों में वह राजद छोड़ जदयू की तरफ रुख कर लेंगे। आगे जब उनसे पूछा गया कि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आपकी बात कई महीनों से जदयू से चल रही थी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि चर्चा है तो इसमें इनकार नहीं कर रहा हूँ। जदयू के नाम पर चंद्रिका राय ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार में उनकी पूरी आस्था है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी में क्यों नहीं, तो इस पर सवाल उन्होंने जवाब नहीं देकर सवाल को टाल दिया। आगे उन्होंने राजद को लेकर कहा कि राजद में काफ़ी असंतोष है, मेरी जानकारी में ही काफ़ी लोग हैं जो पार्टी से नाराज़ हैं, कई लोग मेरी संपर्क में भी हैं। जब चंद्रिका राय से यह सवाल किया गया, आप अकेले जदयू ज्वाइन करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वह समय बताएगा। वहीं बेटी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर उसकी इच्छा लोगों की इच्छा होगी तो मेरी इच्छा की क्या बात है। चुनाव लड़ने की इच्छा ऐश्वर्या व जनता के इच्छा पर निर्भर करता है। वहीं वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जिस सीट से लड़ते आए हैं वहीं सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान इशारों में तेज प्रताप पर भी चंद्रिका राय ने निशाना साधा। चंद्रिका राय ने कहा कि पार्टी में काफ़ी असंतोष है, जिसका कई कारण है। कई ऐसे लोग आज भी पार्टी में हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में खुलकर पार्टी के लोगों का विरोध करना शुरू किया है। आगे उन्होंने तेज प्रताप का नाम नहीं लेते हुए कहा कि तेजस्वी को इतना तक कहा गया है कि वह दो रैली में ही लथर जाते हैं, इसके बावजूद भी पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।